मित्रों, जय माता दी। मित्रों, पिछले कई दिनों से या यूं कहूं कि कई महीनों से आप काफी परेशान चल रहे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, पैसों से जुड़ी कई संकटें आप लोगों ने जरूर ही देखी होगी और कई प्रकार की संकटें और मुसीबतें आपके जीवन में आए दिन चली आ रही हैं। एक परेशानी नहीं खत्म होती और दूसरी आप लोगों के जीवन में खड़ी हो जाती है। तो मित्रों, ऐसे में अगले 3 दिनों के अंदर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, सच में आपको रुला देगी ये। दोस्तों, हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के जीवन की हकीकत को बताने वाले हैं, उस बात को बताने वाले हैं जिसे जानना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। क्योंकि इस वीडियो को देखे बिना आप अपने जीवन में सफलता को पाने से अचूक रह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ी मुख्य परेशानी की वजह होती है वह कुछ लोगों का चाल है, कुछ लोगों का षड्यंत्र है, और आपकी भी कुछ गलतियां हैं, आपका भी कुछ भोलापन है, जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। मित्रों, हम सभी को बता दें, आप लोगों को बता दें कि जीवन में चढ़ाव और उतार का समय आता रहता है, हर समस्या का समाधान भी व्यक्ति को मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में अपने आप में स्थिरता बनाए रखना, कोई ऐसी चीजें होती हैं, आपको ऐसी जगह आपने अपनी समस्याओं का सामना जरूर किया होगा, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप डट कर रहे होंगे, तो दोस्तों आप ही जानते हैं। और दोस्तों, इसी कारणवश ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होकर आने वाले अगले 3 दिनों में ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं, ऐसी खूबियां बताने वाले हैं, ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको देंगे जिसे सुनकर आप तो चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बताना शुरू करेंगे कि आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। यह जीवन की आपके सबसे बड़े सपने सच होने वाले हैं, जीवन के सबसे बड़े महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी और यश कीर्ति में बढ़ोतरी होंगी, और यह सभी के सभी सपने आपके सच होने वाले हैं। यह दोस्तों, सपने सच होता हुआ देख आपके आंखों में आंसू आना लाजमी सी बात रहेगी। जी हाँ मित्रों, इतने संकटें, इतने परेशानियां, इतने कष्ट देखने के बाद अगर कोई सफलता की सीढ़ी आपको नजर आती है तो वाजिब सी बात है कि आपके आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ग्रहों के चाल चाल के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी आप सभी के जीवन काल में आ जाए, तब दोस्तों आप लोगों की आर्थिक स्थितियों में भी आपको ग्रहण का शुभ फल मिलने वाला है। मित्रों, ग्रहों का यह जैसा परिवर्तन हो रहा है, जो आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिसकी वजह से आप लोगों के लिए हर समय हर्षोल्लास और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाला है। मित्रों, यह वीडियो को निर्माण करने के लिए पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए निर्मित किया गया है, तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिएगा, यह आपका दायित्व होता है। यह दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक कर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर भगवान शनिदेव का आप मन ही मन उनका स्मरण कर लें। भगवान विष्णु जी का, विष्णु देव का आशीर्वाद भी आप सभी को अवश्य ही प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, कि दोस्तों एक बार युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हुए यह बात कहते हैं कि जो भी कोई जिस भी देवता की पूजा में विश्वास करता है, जिस भी देवता को मानता है और उनकी पूजा अपनी विश्वास के साथ पूजा करता है और विश्वास के साथ इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता के रूप में दृढ़ कर देता हूं और समय आने पर उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा तो सच में अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। मित्रों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जीवन के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा, आपकी बोलचाल का तरीका है जो है सभी लोगों का ध्यान आपकी ओर आपकी तरफ आकर्षित करेगा, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजनाएं बनेंगी, विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में सफलता भी प्राप्त होगा। मित्रों, इसके उपरांत उसे अलग अलग क्षेत्रों में कुछ
कुछ क्षेत्रों में सावधानी को लेकर भी बात करेंगे। दोस्तों कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होगी और कुछ ऐसी भी गलतियों से आपको परहेज करना होगा जो आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप में करते हैं, और अपने इस गलतियों को सुधारने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। और जो आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, घर के ही कुछ ऐसे लोग या समाज के कुछ ऐसे लोग जो आपके भोलेपन का फायदा उठा जाते हैं, तो मित्रों उन गलतियों को भी आपको इस वीडियो में देखना है और समझना है। दोस्तों यश में भूमि की खरीद प्राप्ति करने के लिए पेपर्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल आपको अवश्य करनी होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों उनकी वजह से आपके मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है। इन बातों पर आपको बहुत ही गौर करना होगा। और इस दोस्तों इस बताना चाहेंगे कि आपको पैसों से संबंधित व्यवहार करते समय अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रखने की वजह से जो भी आप बातें करें, जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं वह मन मुताबिक कर सकोगे। दूसरों के द्वारा आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। फिलहाल यह समय आपको अपने मार्ग पर चलने के लिए मन को तैयार करना होगा। इसके प्रति आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी। इस समय हर परिस्थिति में आप डटकर मुकाबला कर सकोगे और तरह तरह से लोगों के साथ संपर्क में आने वाले हैं। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आलस्य को त्याग कर कार्य करना होगा। जो भी काम मिले उसे आपको का लक्ष्य बनाकर करते रहना होगा। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपका जो बड़बोलापन है, आपकी जो अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि हर किसी का काम में सहयोग करना, कोई अगर आपको जरा सा भी कह दे कि यह काम कर दो तो आप उसे मुंह पर डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों यह जो आपकी प्रवृत्ति है यह बहुत ही एक तरह से तो अच्छी है लेकिन आपके लिए यह बहुत ही बुरी साबित होती है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य में समय न देकर दूसरों के कार्य में समय दे देते हो और आपका कार्य रह जाता है और बाद में आपको पछताना पड़ता है। मित्रों अगर आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई विभाग की जांच चल रही है तो उसका परिणाम भी आज आपको मिलने वाला है, इसलिए आपके ऊपर तनाव भी इस समय हावी होने की कोशिश कर सकता है। तनाव को आप दूर रखें और क्वालिटी कायम करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। मित्रों किसी के साथ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपके कुछ ऐसे सपने जो आपने कभी देखा था उन सभी को आप इस समय पूरा करने वाले हैं। मित्रों आगे की जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको विशेष सफलता मिलने के लिए इन बातों को सुनना होगा। अब आप जो भी काम करें, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो तेजी से होंगे, लेकिन आपको इस समय रुकावटें भी अधिक आएंगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आधारशिला रखना यह समय उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ग्रहों के कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिससे आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से बन रही है कि आप अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके भी नतीजे खराब ही आएंगे। और इसलिए दोस्तों कई बार पहले भी आपके साथ ये हो चुका होगा कि आपने बहुत सी मेहनत से कार्य किया, बहुत बड़े कार्य किया और आपको असफलता ही हाथ लगी, लोगों के आलोचना को सहना पड़ा और अब यह आपको दोहराना नहीं है। आप जरूर बताइएगा कि ऐसा आप लोगों के जीवन काल में होता है या नहीं, जरूर बताइएगा। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको असफलता हाथ लगने के पीछे का कारण क्या है। मित्रों 3 से लेकर 5 दिनों का समय आपको हाथ आने वाले में इसे शुरुआत करते समय आपको कोई भी नए कार्य को शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि यह आने वाले दिनों में आपको जरूर यह नोटिस करना होगा कि हर दिन एक समय राहु काल होता है जो कि 1.5 घंटे का होता है, कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी 1 घंटे का होता है। अलग अलग समय पर राहु काल हर दिन अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसकी समय सारणी भी आपको बताती। और यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हो तो उसके आपके पास हमारे वीडियो की सारी लिस्ट भी होगी, तो आपको राहु काल अवश्य ही देखना है। दोस्तों चाहे कितना ही शुभ मुहूर्त क्यों ना हो, पंडित जी आपसे कह दें कि यह बहुत ही शुभ दिन है और इस कार्य को आप कर डालिए, परंतु किसी भी कार्य को करने से पहले आप राहु काल का समय अवश्य देखें, क्योंकि राहु काल के समय में कोई भी अगर आप शुभ कार्य करोगे तो उसके परिणाम मिलने में आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए अब की बार से कोई भी कार्य करें, कोई भी आवश्यक कार्य कितना भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी कार्य हो चाहे, तो वह आप अपने
कार्य को करते समय करने से पहले जरूर राहु काल के समय देख लें। राहु काल के समय में आप जो हैं कोई भी शुभ कार्य न करें। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों को अपने जीवन में पूर्वजों के नाम का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। आप लोगों के जीवन में पिछले कुछ दिनों से देखोगे कि आपके घर में क्लेश बनता है, छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो जाते हैं और कई मुसीबतें या कहूँ कई संकटें आपके सर पे आ जाती हैं। तो ऐसे में आपको घबराहट होने लगता है और आप परेशान होने लगते हैं और दुश्मन तो यही फिराक में रहते हैं कि कब आप ऐसी परिस्थितियों में पड़े। इसलिए आपको जो है अपने दुश्मनों से सतर्क रहना होगा और राहु काल की समय सारणी को जरूर देखना है और राहु काल में कोई भी कार्य आपको सुबह शुभ कार्य नहीं करनी है। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको इस समय अपनी जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपके जीवन की सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं और ग्रहों के कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिनकी वजह से आपको सफलता और धनलाभ की प्राप्ति बहुत ही जोरों शोरों से मिलने वाली है। मित्रों आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।